की इस खास पेशकश में मैं भाग्यश्री आप सभी का स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। NSEL घोटाले के आरोप में जेल में बंद 53 वर्षीय एक व्यक्ति को अदालत ने राहत दी है। बॉन्ड के 5 लाख रुपए नहीं होने के चलते कोर्ट ने इस राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक महिला मोर्चा प्रमुख सुल्ताना खान पर रविवार रात हमला हो गया। इस घटना में खान को चोटें आई है। वही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में कंगना रानौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएगी। तो उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक परिवार को मुश्किल में साथ देने की वजह से चर्चा में है। इस बीच लंबे इंतजार के बाद समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन का मुहूर्त निकाला गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि 15 अगस्त से शिरडी से नागपुर के बीच आवाजाही शुरू हो जाएगी। प्रदेश की इन 5 खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। NSEL घोटाले के आरोप में जेल में बंद 53 वर्षीय व्यक्ति को 3 साल बाद थोड़ी राहत मिली है। उसे जमानत तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उसके पास जमा राशि करने के लिए 5 लाख रुपए नहीं थे। विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम PMAL कोर्ट ने अब इस राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिए है। विशेष न्यायाधीश SS सैयद ने कहा कि इस आरोपी को छोड़कर बाकी आरोपी जमानत पर छूट गए। इस आरोपी को भी जमानत दे दी गई थी, लेकिन बड़ी जमानत राशि के कारण वह जेल में ही रहा। उसे 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ा था। जमानत की राशि कम कर दी गई थी ताकि वह भी रिहा हो सके। आरोपी रंजीत अग्रवाल को तलोजा जेल में रखा गया है। अपनी याचिका में उसने मांग की थी कि इस राशि को घटाकर 50,000 रुपए किए जाए। इस घटना में आरोपित 66 लोगों को जमानत दे दी गई है। अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए विरोध किया कि अपराध गंभीर था। इसने कई गैर जमानती वारंटों के बाद भी खुद को अदालत के सामने पेश नहीं करने के कारण कानून की अवहेलना। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी के कृत्य और आचरण से पता चलता है कि वह इस अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के जिद पर अड़ा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक महिला मोर्चा प्रमुख सुल्ताना खान पर रविवार रात हमला हो गया। इस घटना में खान को चोटें आई है। घटना के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। हालांकि खबर है कि हमले से घबराई भाजपा नेत्री ने भी तक बयान दर्ज नहीं कराया है। फिलहाल हमलावरों की भी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान पर हमला रविवार रात करीब 11 बजे हुआ। उस दौरान वह पति के साथ डॉक्टर से मिलने जा रही थी। खबर है कि हमलावरों ने भाजपा नेत्री की कार रोककर धारदार हथियार से हमला किया है। इस दौरान उनके पति को भी हमलावरों ने गालियां दी। उन्होंने बताया कि मीरा रोड पर 2 बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी को रोका और गालियां देते हुए खान पर हमला कर दिया। घायल हुए खान ने जब शोर मचाया तो मौके पर भीड़ इकट्ठी हुई। हालांकि तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उन्होंने इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया है कि भाजपा नेत्री का बयान आज दर्ज किया जाएगा। खबर है कि इस घटना में खान के हाथ में 2 जख्म लगे हैं। सुल्ताना खान पर यह हमला क्यों किया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। उनके पति पार्टी के अंदरूनी मामले को लेकर भी शक जाहिर कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में कंगना रानौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएगी। कंगना रानौत फिल्म इमरजेंसी को निर्देशित करेगी। सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, कंगना इस फिल्म में अभिनय करने के साथ इसे प्रोड्यूस भी करेगी। कंगना ने बताया कि वह फिल्म इमरजेंसी को लेकर कॉन्फिडेंट है कि यह ब्लॉकबस्टर साबित होगी। कंगना रानौत ने बताया कि आखिर वो क्यों खुद फिल्म इमरजेंसी को डायरेक्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रानौत ने कहा कि मेरे निर्देशन में बनी पिछली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला था। तब से मैं एक फिल्म निर्देशित करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मेरे पास कई एक्टिंग असाइनमेंट पेंडिंग पड़े हुए थे। मुझे लगता है कि मैं लोगों की नब्ज पहचानती हूँ। मुझे लगता है कि ऑडियंस को ऐसा कुछ चाहिए जो उन्हें मानसिक रूप से जागरूक कर सके। कंगना ने यह भी कहा कि इमरजेंसी रिसेंट हिस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा है जिसे नकारा नहीं जा सकता, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा। जब से इसका टीजर लॉन्च किया गया है वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। मुझे भरोसा है कि फिल्म मेकर के तौर पर मेरे नजरिए और सोच का मुझे फायदा होगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आम जनता की परेशानी को समझने वाले सीएम हैं। इस बात की गवाही खुद यह घटना देती है। बिहार के पटना जिले में सातारा जिले के अमोल जाधव का परिवार रहता है। गत शनिवार की रात तकरीबन 2 बजे घर में गैस के रिसाव की वजह से भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसमें परिवार के 4 लोग बुरी तरह से जल गए। उन्हें तत्काल पटना के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने आगे के इलाज के लिए उन्हें मुंबई या पुणे के लिए रेफर किया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने घायलों के इलाज के लिए पुणे जाने का निर्णय लिया और एयर एम्बुलेंस के लिए प्रयास शुरू किया। लेकिन दिक्कत थी कि एयर एम्बुलेंस के लिए लगने वाला पैसा कहां से आएगा। परेशान परिवार शनिवार के दिन इसी जदोजहद में लगा रहा। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने सांगली के विधायक अनिल बाबर की मदद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया। संपर्क होने पर उन्होंने सारी बात सीएम एकनाथ शिंदे को बताई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की मांग की। हालांकि कुछ तकनीकी वजह के चलते उन्होंने यह मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना देर किए खुद के खर्च पर 2 एयर एम्बुलेंस को बुक किया और घायलों को पुणे एयरलिफ्ट करवाया। घायलों को पुणे के सूर्या सह्याद्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज शुरू है। लंबे इंतजार के बाद समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन का मुहूर्त निकाला गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि 15 अगस्त से शिरडी से नागपुर के बीच आवाजाही शुरू हो जाएगी। शिरडी से नागपुर के बीच हाईवे 95% तक बन चुका है। मुंबई से नागपुर के बीच बन रहा देश का सबसे हाईटेक हाईवे के करीब 85% तक बन गया है। पहले फेज के तहत नागपुर से शिरडी के बीच हाईवे खुल जाएगा। सरकार की अगले साल तक पूरा हाईवे खोलने की योजना है। पिछली सरकार इस वर्ष मई में नागपुर से शेलू बाजार के बीच 210 किलोमीटर के हाईवे का उद्घाटन करने वाली थी। जानवरों को हाईवे से दूर रखने के लिए बने रहे ओवरपास का काम पूरा नहीं होने की वजह से खोलने के निर्णय को टाल दिया गया है। अब सरकार सीधे करीब 520 किलोमीटर के हाईवे को शुरू करने जा रही है। 701 किलोमीटर लंबे हाईवे का करीब 80% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। नागपुर से मुंबई के बीच बने महामार्गों को 3 चरणों में खोला जाएगा। अगस्त 2022 में पहला फेस और 2023 तक पूरा मार्ग खोल दिया जाएगा। पहले चरण के तहत 520 किलोमीटर लंबे हाईवे को खोला जाएगा, जो नागपुर से शिरडी तक होगा। साल के अंत तक दूसरे चरण में 623 किलोमीटर हाईवे को खोल दिया जाएगा। यह नागपुर के इगतपुरी तक का हाईवे होगा। अंत में पूरे 701 किलोमीटर लंबा हाईवे पर आवाजाही शुरू हो जाएगा। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 32 विधेयक पेश होने के संकेत है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में तमनोद खलघाट में यात्रियों से भरी एक बस पुल की रोलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिर गई। वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीरें कथित रूप से कूड़ा गाड़ी से ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के एक सफाई कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। तो उधर ज्ञानवापी मस्जिद के बाय गए शिवलिंग की SIE कार्बन रेटिंग कराई जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इस बीच मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दम दिखाया है। पार्टी ने 11 में से 7 नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 32 विधायक पेश होने के संकेत है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों ने इस सत्र के दौरान 32 विधायकों को दोनों सदनों में पेश करने के संकेत दिए, जिनमें से 14 विधायक तैयार है। सरकार ने यह भी कहा कि वह इन सभी विधायकों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा चाहती है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि इन विधायकों में से कुछ पर संसद की स्थायी समितियों द्वारा पहले ही चर्चा की जा चुकी। सरकार द्वारा सूचीबद्ध विधायकों में बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधक विधेयक शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन के लिए 2 अलग अलग विधायक भी पेश किए जाएंगे। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल के माध्यम से 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट को एक सरल संस्करण में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके दायरे में डिजिटल मीडिया को भी लाया जाएगा। साथ ही प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधक विधेयक के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अधिक अधिकार प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के धार जिले में धामनोद खलघाट में यात्रियों से भरी एक बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिर गई। बस पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोग और नदी में मौजूद नाविक तुरंत बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बचाने की कोशिश करने लगे। जानकारी के अनुसार 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और अब तक 15 लोगों को बचा लिया है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बस महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम की थी, जो इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। उसे क्रेन की मदद से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर आयुक्त और अन्य अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। बस ने खलघाट में 10 मिनट का ब्रेक लिया था। आगे बढ़ने पर गलत दिशा से आ रहे वाहन को बचाने के लिए रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में गिर गई। इसमें इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से 12 यात्री सवार हुए थे। इसमें 7 परिवार और 13 बच्चे होने की जानकारी सामने आ रही है। बस के नदी में गिरने की सूचना मिलते ही CM शिवराज चौहान ने प्रशासन को जल्द पहुंचने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने SDRF भेजने के निर्देश दिए हैं, साथ ही घटना स्थल पर आवश्यक संसाधन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार खरगोन इंदौर जिला प्रशासन के संपर्क में है। बारिश की वजह से बचाव कार्य में कठिनाई आई। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें कथित रूप से कूड़ा गाड़ी से ले जाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के एक सफाई कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। पीड़ित संविदा कर्मी ने कहा कि कूड़े को इकट्ठा करने के दौरान यह तस्वीरें आ गई, तो इसमें क्या कसूर है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि जनरलगंज क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मी बॉबी द्वारा कूड़ा गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें ले जाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। तिवारी ने बताया कि सफाई कर्मचारी ने कूड़े से उन तस्वीरों को नहीं निकाल कर गलती की है, जिसके कारण उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नगर निगम में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मी बॉबी कूड़ा एकत्र कर रहा था। इसी बीच किसी ने साफ सफाई के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर कूड़े में डाल दी, जिन्हें देख कुछ लोगों ने आपत्ति करते हुए बॉबी से वाद विवाद शुरू कर दिया। इस पर दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा। तभी कुछ लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बॉबी से कहकर तत्काल उन तस्वीरों को कूड़े की ट्रॉली से हटवा दिया, लेकिन तब तक किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि वायरल हो गया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में एक नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि मस्जिद में पाए गए शिवलिंग की ASI से कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए, इसी से उसकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता साबित हो सकेगी। 7 हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इसका ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार सर्वे भी होना चाहिए। इस मामले की सुनवाई करते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्ञानव्यापी में जहां से शिवलिंग पाया गया है उसकी सुरक्षा की जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को आदेश दिया था कि वह अगले आदेश तक किसी और स्थान पर वजू करे। याचिका में कहा गया है कि वहां मौजूद शिवलिंग की कालगणना नहीं की जा सकती, उसके परिधि में आने वाली 5 कोस भूमि पर मंदिर का अधिकार है। याचिका दायर करने वाली महिलाओं में से एक एडवोकेट है, एक प्रोफेसर है और 5 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग की ऐतिहासिकता का पता सिर्फ GPR सर्वे और कार्बन डेटिंग से ही लगाया जा सकता है। पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया था, वह वक्त की जमीन नहीं है। ज्ञानव्यापी में मिला शिवलिंग स्वयंभू यानी स्वयं अवतरित है, जबकि नए मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग रानी अहिल्याबाई होलकर के दौर का है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दम दिखाया है। कल हुई काउंटिंग में पार्टी ने 11 में से 7 नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। वही कांग्रेस पार्टी 3 शहरों में मेयर पद हासिल करने में कामयाब रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन दावे के मुताबिक वह भाजपा को पछाड़ना तो दूर की बराबरी की टक्कर भी नहीं दे पाई। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। एक तरफ उन्होंने शहर में BJP की शहरी ताकत को स्वीकार किया, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरसे। दिग्विजय सिंह ने ओवैसी की पार्टी पर भाजपा की मदद का आरोप लगाया है। उन्होंने बरहानपुर में कांग्रेस की हार का उदाहरण दिया, जहां ओवैसी की पार्टी को 11,000 से अधिक वोट मिले हैं और BJP मामूली अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश के पूर्व CM ने भाजपा की जीत पर कहा है कि शहरों में भाजपा का हमेशा प्रभाव रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ओवैसी और भाजपा मिलकर भारत की गंगा जमुनी तहजीब को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बर्बाद कर रहे हैं। क्या यह हमारे देश राष्ट्र के लिए उचित है? क्या यही सच्चा राष्ट्रवाद है या ढोंगी राष्ट्रवाद है? सभी धर्म हमें इंसानियत का ही रास्ता दिखाते हैं। मिलजुल कर रहकर ही हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं।
मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले पंजाब प्रांत के चुनाव में जीत के साथ ही एक बार फिर से इमरान खान की पार्टी के सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया है। तो श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तत्काल प्रभाव से देश के आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहीं श्रीलंकाई ऊर्जा मंत्री कंचना विजयकारा ने कहा कि हम अब तक कई देशों से गुहार लगा चुके हैं, मगर भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में हमारी कई बार मदद की है। तो उधर मंगल ग्रह पर मैगी जैसी चीज का मिलना खगोलविदों को हैरान कर रहा है। इस बीच ब्रिटेन के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक मतदाता उसमें लगभग आधे का मानना है कि ऋषि सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। दुनिया भर की इन 5 खास और बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले पंजाब प्रांत के चुनाव में जीत के साथ ही एक बार फिर से इमरान खान की पार्टी के सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया है। जीत से उत्साहित इमरान खान ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है, तो नवाज शरीफ की पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। चुनाव परिणाम से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भी बड़ा झटका लगा है, जिनके इशारे पर इमरान खान को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनावी जंग से यह भी साबित हो गया है कि इमरान खान शरीफ परिवार से लोकप्रियता की जंग में जीत गए हैं। अब जल्द ही आम चुनाव हो सकते हैं और इमरान खान फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दरअसल यह शहबाज शरीफ सरकार और उनकी पार्टी के लिए एक जनमत संग्रह की तरह से था, जिसमें इमरान खान ने स्पष्ट रूप से शहबाज सरकार पर जीत दर्ज की है। इन नतीजों से न केवल पंजाब में पीटीआई की सरकार बनने जा रही है, बल्कि केंद्र में पीएम शहबाज शरीफ की सरकार का भविष्य भी तय होगा। पंजाब प्रांत में इस जीत से अब इमरान खान की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के साथ पंजाब प्रांत में भी राज करेगी। अगर शहबाज शरीफ सरकार जल्द चुनाव कराने की इमरान खान की बात नहीं मानते हैं, तो वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं। इससे शहबाज सरकार देश में चुनाव कराने को बद्ध हो जाएगी। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तत्काल प्रभाव से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति पद के लिए 20 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले यह ऐलान किया गया है। जन विद्रोह को देखते हुए गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ है। श्रीलंका में आपातकाल लागू कराने वाला 17 जुलाई का सरकारी गजट आज सुबह जारी किया गया। राष्ट्रपति को सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के भाग 2 ए में आपातकालीन नियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि पुलिस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है, तो वह सशस्त्र बलों को पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए आपातकाल को लेकर गैजेट जारी कर सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति पद को खत्म करके व्यवस्था में पूर्व बदलाव लाने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। श्रीलंका में जन आंदोलन का सोमवार को 101वां दिन है, जिसके कारण गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद हटाना पड़ा। सरकार विरोधी प्रदर्शन 9 अप्रैल को राष्ट्रपति कार्यकाल के पास शुरू हुआ था और बिना किसी रुकावट के जारी है। विक्रमसिंघे 20 जुलाई को संसद में होने वाले मतदान में राजपक्षे की जगह लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को हिंसा और तोड़फोड़ के किसी भी कृत्य से निपटने का अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का 100% समर्थन करता हूँ। आज़ादी के बाद से श्रीलंका अपने सबसे भीषण राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कई देशों से श्रीलंका आर्थिक मदद मांग चुका है, लेकिन लगभग निराशा ही हाथ लगी है। इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री कंचना विजयकारा का दर्द झलका है। उन्होंने कहा कि हम बीते कुछ समय से अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। स्थिति सुधरने के लिए हमें अब तक कई देशों से गुहार लगा चुके हैं, मगर भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में हमारी कई बार मदद की है। कंचना विजयकार ने अपने बयान में यूक्रेन, रूस और भारत का तो जिक्र किया, लेकिन चीन का नाम तक नहीं लिया। इससे पहले भारत ने श्रीलंका में जारी संकट पर कहा था कि वह श्रीलंकाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोहराया कि भारत श्रीलंका में उभरती स्थिति पर नजर रखे हुए है तथा उस देश में सभी प्रासंगिक हितधारकों के संपर्क में है। श्रीलंकाई क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने ने भी भारत के प्रयासों की सराहना की है। क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने ने कहा कि भारत एक भाई देश की तरह है और वे हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम जब मुश्किलों से लड़ रहे हैं,
तब वे हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए भारत का धन्यवाद, हर चीज का धन्यवाद। हमें यकीन है हम और बेहतर होते जाएंगे। बता दें कि भारत ने इस वर्ष श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभूतपूर्व समर्थन दिया है। मंगल ग्रह पर मैगी जैसी चीज का मिलना खगोलविदों को हैरान कर रहा है। दरअसल मंगल पर नमूने इकट्ठा कर रहा रोवर फरवरी 2021 में रोवरी परसिवरेंस के मंगल पर पहुंचने के बाद से यह लगातार वहां घूम घूम कर नमूने इकट्ठे कर रहा है, ताकि उनको धरती पर लाकर पता लगाया जा सके कि मंगल पर जीवन था या नहीं, या कभी हो सकता है या नहीं। इसी क्रम में रोवर परसिवरेंस ने स्पेगेटी के आकार का आकर्षक मलबा ढूंढ निकाला है, जो दिखने में हुबहू मैगी जैसा लगता है। इस अजीब सी चीज को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन इसकी पहचान स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। इसके तस्वीर को रोवर के फ्रंट फेसिंग कैमरा से लिया गया है। ये कैमरा रोवर परसिवरेंस को सामने से आने वाले खतरे से बचाने के लिए लगाया गया है। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नासा के पिछले मिशन का ही एक और मलबा हो सकता है। इसके पहले रोवर ने पिछले महीने भी एक चमकदार वस्तु की तस्वीर ली थी, जो कि मंगल ग्रह से जेजरो क्रेटर के तल पर पाई गई थी, लेकिन यह कबाड़ का एक टुकड़ा निकला, जो वास्तव में मार्स रोवर से ही निकाला था। बता दें कि मंगल पर जीवन की खोज में लगी परसिवरेंस नासा को ऐसी अनोखी तस्वीरें भेजता रहा, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। अब तक परसिवरेंस रोवर को मंगल पर कई अजीब तरह की जगह निर्माण और कई उपयोगी चीजें मिल चुकी है। मंगल ग्रह के परिवेश और भूभाग का निर्धारण करने वाले वैज्ञानिकों के लिए तस्वीरों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक मतदाताओं में से लगभग आधे का मानना है कि ऋषि सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। एक नए ओपिनियन पोल में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताया गया। बड़ी बात यह है कि इस पोल में शामिल लोग सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक है। वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खबर के अनुसार ओपिनियन पोल में 4,400 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। इसमें यह बात सामने आई है कि 2019 में आम चुनाव के कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन करने वालों में से 48% का मानना है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। यह पहला सर्वेक्षण है जिसमें प्रधानमंत्री पद की दौड़ में विदेश मंत्री लीज ट्रस को दूसरे स्थान पर रखा गया है। सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों में से 39% ने प्रधानमंत्री पद के लिए ट्रस का और 43% ने व्यापार मंत्री पेनी मोटोन समर्थन किया है। ऋषि सुनक इंफोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं। नारायण मूर्ति के दामाद है। वह यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद है। 2015 में सांसद के कदम रखने वाले ऋषि कंजर्वेटिव पार्टी के इन नेताओं में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने में बोरिस जॉनसन के फैसले का समर्थन किया था। बावजूद इसके चंद दिनों पहले ही बोरिस जॉनसन ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा था कि किसी का भी समर्थन करें, लेकिन ऋषि सुनक का नहीं। सुनक वित्त मंत्री बनने से पहले राजकोष थे, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और वित्त मंत्री के सेकेंड इन कमांड भी रह चुके हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।